नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं सिंगल प्लेट क्लच के बारे में बताऊंगा। सब्जेक्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इंट्रोडक्शन वर्किंग एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ सिंगल प्लेट क्लच। सिंगल प्लेट क्लच कहाँ पे उपयोग किया जाता है, कैसे वर्क करता है, कौन कौन से इसके मेन पार्ट्स होते हैं एंड एडवांटेजेस। तो दोस्तों, सिंगल प्लेट जैसे कि नेम से इंडिकेट होता है, सिंगल प्लेट, सिंगल प्लेट का मतलब होता है वह क्लच जिसके अंदर सिर्फ एक ही प्लेट हो, और मल्टी का मतलब है मोर देन वन प्लेट्स हो। तो दोस्तों, सिंगल प्लेट क्लच इज अ फ्रिक्शन क्लच दैट कंटेन ऑफ ए सिंगल क्लच प्लेट। मीन्स जिस क्लच में एक ही क्लच प्लेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल प्लेट क्लच। दिस क्लच प्लेट इज लोकेटेड बिटवीन द फ्लाई व्हील एंड द प्रेशर प्लेट। मीन्स जो एक सिंगल प्लेट होती है ये हमारी इंजन शाफ्ट पे फ्लाई व्हील माउंट होती है और एक होती है क्लच शाफ्ट। तो इन दोनों के बीच में हमारी क्या होती है, जो क्लच प्लेट होती है वो लोकेट होती है। द क्लच प्लेट हैज अ फ्रिक्शन लाइनिंग ऑन बोथ साइड। जैसे कि ये क्लच प्लेट है तो इसके इस साइड में भी फ्रिक्शन लाइनिंग बनी होगी। फ्रिक्शन लाइनिंग मतलब रफ मटेरियल, रफ सरफेस। इसके बाद इस साइड भी फ्रिक्शन लाइनिंग बनी होगी। तो मींस दोनों साइड में क्लच प्लेट के क्या होती हैं, फ्रिक्शन लाइनिंग होती हैं। ड्यूरिंग द रनिंग पोजिशन ऑफ द व्हीकल क्लच इज एंगेज। जब भी हमारा इंजन स्टार्ट होता है या व्हीकल्स रन करती है तो इस दौरान पे क्या होता है, क्लच एंगेज पोजीशन में होता है, एंगेज रहता है। एंड द प्रेशर प्लेट प्रेस द क्लच प्लेट ऑन द फ्लाई व्हील। और जो प्रेशर प्लेट होती है वो क्लच प्लेट को क्या करती है, प्रेस करती है कहाँ पे, फ्लाई व्हील के ऊपर। तो जिससे पावर ट्रांसमिट कंटिन्यू इंजन शाफ्ट से क्लच शाफ्ट के ऊपर ट्रांसमिट होता रहता है, क्योंकि इंजन शाफ्ट पे फ्लाई व्हील माउंट है तो फ्लाई व्हील घूम रही है। अब जैसे क्लच प्लेट इसके संपर्क में आएगी तो ये भी रोटेट करेगी, तो हमारी क्लच शाफ्ट भी रोटेट करना स्टार्ट करती है। ओके, अब दोस्तों इसकी वर्किंग कैसे काम करता है इसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो पार्ट्स, पार्ट्स में एक तो आपकी इंजन शाफ्ट होगी और एक आपकी क्लच शाफ्ट होगी, ठीक। तो जो इंजन शाफ्ट होती है, जो इंजन की मेन शाफ्ट होती है क्रैंक शाफ्ट, उस पे क्या होती है, फ्लाई व्हील माउंट होती है। तो इंजन से पावर को हम ट्रांसमिट करेंगे क्लच शाफ्ट पे। तो इसमें जैसे कि डायग्राम में आपकी इंजन शाफ्ट है और एक आपकी क्लच शाफ्ट है। इंजन शाफ्ट पे आपकी फ्लाई व्हील माउंट दिखाई है, इसके बाद जो आपकी क्लच शाफ्ट है इस पे एक क्लच प्लेट माउंट है जो कि आपको एरो के थ्रू यहाँ पे दिख रही होगी। ये वाली जो है ये क्या है, क्लच प्लेट है, सिंगल एक क्लच प्लेट है जो कि हमारी प्रेशर प्लेट और इसके थ्रू ये शाफ्ट के ऊपर जो बैरिंग है इससे कनेक्टेड है, और क्लच फॉर्क भी है, ठीक। तो अभी जो डायग्राम में हमको पोजीशन दिख रही है ये हमें एंगेज पोजीशन दिख रही है। अब इसमें जो ब्लैक कलर का आपका जो डार्क दिख रहा है ये हमारा क्या है, फ्रिक्शन लाइनिंग है। प्लेट के दोनों तरफ फ्रिक्शन लाइनिंग मेंशन की है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। फ्रिक्शन लाइनिंग मीन्स रफ सरफेस, ठीक। तो ये दोनों साइड क्या है, फ्रिक्शन लाइनिंग है। ये वाली है जो प्रेशर प्लेट है, इसको हम क्लच शाफ्ट बोलते हैं, ठीक। तो दीज आर द मेन पार्ट ऑफ सिंगल प्लेट क्लच। अब ये कैसे करता है काम, तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि आपको क्लच पैडल है, जो क्लच पैडल को जब हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो क्या होता है, स्प्रिंग होता है, थ्रस्ट स्प्रिंग होता है। ये हमारा प्रेशर प्लेट को क्या करेगा, टर्न करेगा बाहर की ओर, इस साइड में, राइट साइड में से मूव करेगा। तो हमारा जो इसमें स्प्रिंग होता है वो क्या होगा, खिंचेगा। स्प्रिंग आपका क्या होगा, इस साइड वाला स्प्रिंग है जो कंप्रेस होगा, इधर वाला हमारा ये हट जाएगा कनेक्शन। तो व्हेन द क्लच पेडल इज प्रेस्ड द प्रेशर प्लेट मूव आउटवर्ड एंड रिलीज क्लच प्लेट फ्रॉम द फ्लाई व्हील। तो जैसे ही हमारी ये आउटवर्ड फोर्स लगेगा
तो जो क्लच प्लेट है वो फ्लाईव्हील से हट जाएगी, इसके जो कांटेक्ट में थी वो रिमूव हो जाएगी। तो जैसे ही रिमूव होगी तो इंजन तो आपका रन करता रहेगा, आपकी जो फ्लाईव्हील है वो तो रोटेट होती रहेगी, लेकिन पावर ट्रांसमिट होकर क्लच शाफ्ट पर नहीं पहुंचेगा। तो क्लच शाफ्ट हमारी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी या स्लो हो जाएगी। ठीक, अब जैसे हम इसको रिलीज करते हैं, अब बात आ जाएगी किसकी, एंगेज पोजीशन की। जैसे आप क्लच पैडल को रिलीज करते हैं तो क्या होता है, जो प्रेशर प्लेट है ये प्रेशर प्लेट फर्दर हमारी क्या करेगी, फोर्स करेगी टू क्लच प्लेट। ड्यू टू दिस फोर्स द क्लच प्लेट इज कॉन्टेक्ट विद फ्लाई व्हील। तो जब ही हमारी क्लच प्लेट फिर से फ्लाई व्हील के संपर्क में आ जाएगी तो इसका जो फ्रिक्शन लाइनिंग सरफेस है ये इस पे आएगा, तो ये क्या होगा, फ्लाई व्हील के साथ घूमने लगेगी। फ्लाई व्हील के साथ हमारी ये घूमेगी और इसके साथ हमारी प्रेशर प्लेट ये पूरा ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ये हमारा क्या है, पावर ट्रांसमिट स्टार्ट हो जाएगी। तो इंजन से जो पावर ट्रांसमिट होती है वो हमारी क्लच शाफ्ट पे आ गई, इसके बाद गेयरबॉक्स के थ्रू हमारी कहाँ पहुंचती है, पावर व्हील पे पहुंचती है। तो इस तरह से हमारा जो सिंगल प्लेट क्लच होता है वो वर्क करता है, और सिंगल प्लेट क्लच का उपयोग हम वहां करते हैं जहां पे एरिया ज्यादा होता है, स्पेस ज्यादा होता है। ठीक, तो इस तरह से वर्क करता है सिंगल प्लेट क्लच। नाउ एडवांटेजेस, इट वर्क वेरी स्मूथ, मींस इसकी जो एंगेजिंग एंड डिसएंगेजिंग होती है सिंगल प्लेट क्लच की, ये बहुत ही स्मूथ होती है। पावर लॉसेस आर वेरी लेस, इसमें सिंगल प्लेट क्लच में जो पावर है पावर बहुत कम लॉसेस होता है एज कंपेयर टू अदर क्लचेस। ठीक, नो कूलिंग ऑयल इज रिक्वायर्ड, जो हमारी फ्रिक्शन लाइनिंग है जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होता है तो स्मूथली आसानी से हीट डिसिपेट होती रहती है, ट्रांसफर होती रहे हो जाती है, जिसके कारण हमें कूलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। नो कूलिंग ऑयल रिक्वायर्ड, इसमें कोई कूलिंग ऑयल की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये एरिया ज्यादा है तो ये ठंडा ऑटोमेटिक होता है। ठीक, इट मेक्स एट इजियर टू चेंज गियर्स देन अ कॉन टाइप, मीन्स यदि हम कॉन टाइप क्लच की सापेक्ष में बात करें तो ये क्या होता है, इसमें गियर चेंज करना बहुत इजी होता है, आसान होता है। फास्ट रिस्पॉन्ड, जो सिंगल प्लेट क्लच होता है ये हमें क्विक रिस्पॉन्स देता है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देता है, जिसको हम बोलते हैं फास्ट रिस्पॉन्स। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंगल प्लेट क्लच। नाउ एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस में जैसे कि दोस्तों सिंगल प्लेट क्लच आर यूज्ड इन कार्स, बसेस, ट्रक्स एटसेट्रा, मीन्स सिंगल प्लेट क्लच का जो उपयोग किया जाता है एक कार में, बस में, ट्रक्स वगैरह में, हैवी व्हीकल्स में किया जाता है, क्योंकि इसका जो टार्क ट्रांसमिट करता है ये क्या करता है, हाई टार्क ट्रांसमिट करता था मल्टीप्लेट में, कॉन में भी, लेकिन इसमें लेस टार्क ट्रांसमिट करता है। दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल प्लेट क्लच। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।